गाइस कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू पी स्क्वायर गेमिंग। आज मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट एक और बार। और आप लोग बोले कि भाई तू हमेशा यहाँ से क्यों स्टार्ट करता है, ये शायद अपना ट्रेंड बन गया है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मेरे को बतानी थी, फाइनली दोस्तों दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, फाइनली मेरा हाउस लगभग कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत इंटीरियर देना बाकी है लेकिन बाकी सब तो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आपको पिछले एपिसोड में पता होगा, एपिसोड नंबर 4 में अपन गए थे सैंड ढूंढने के लिए, ताकि उसके बाद अपन सैंड लेके आए और उसके बाद ये ग्लासेस क्रिएट किए। लेकिन भाई इंटीरियर में आप लोग आके देखोगे तब है ना, पूरा खाली खाली सा लगे। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, एक छोटा बहुत टॉयलेट, मतलब टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, ये सब के लिए मैं जगह दी। हालांकि इसमें तो संडा ये सब करते नहीं है इसमें, लेकिन भाई मैंने जगह दे के रखा है। और ये अपना होने वाला है किचन, भाई बहुत बड़ा किचन है। और है ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना बेडरूम होने वाला है, ये मैं पिछले टाइम ही बता दिया था आपको। लेकिन यहाँ पे पूरा सजावट करना बाकी है, लेकिन अपने पास सजावट के लिए सामान ही कहाँ है। जो भी ये छोटा मोटा घर है अपना, उसके अंदर सब जो रखा है वो सब तो बेसिक नीड है, जैसे कि बेड हो गया। अभी तो दोस्तों फिलहाल शाम होने वाली है, अपन एक काम करते हैं वही घर में जाके सोते हैं। लेकिन भाई इस घर में अपन शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, नहीं तो कोई भी जाएगा अंदर। और दोस्तों एक चीज़ बहुत दुख वाली है कि है ना, इस गाँव में कोई है नहीं, अभी बचा ही नहीं है, शायद से सब ज़ॉम्बी जाके उन लोग को दारू पिला के अपने जैसा बना चुके हैं। लेकिन भाई मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा कि लोग कहाँ से लाऊँ मैं। मेरे को तुम लोग थोड़ा कमेंट में बता दो कि मैं क्या करूं, या तो मैं क्रिएटिव में जाके वो अंडे फोड़ू और लोगों को लेके आऊं। लेकिन वैसा करके फायदा ही क्या है भाई, अपन सर्वाइवल खेल रहे हैं और अपन को है ना वैसे ही सर्वाइवल में ही जीना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे अभी देखिए रात हो चुकी है और यहाँ पे मॉन्स्टर से ना 2 सेकंड में आ जाते हैं भाई साहब, तो है ना इसलिए मैं फटाक से जाके सो जाता हूँ, कल सुबह मिलते हैं। ओ भाई मैं सो नहीं सकता, मॉन्स्टर है, कहाँ है मॉन्स्टर, दिखा तो नहीं। तो गाइज मॉन्स्टर लोग मेरे को सोने नहीं दे रहे। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों आपको, जब भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था ना, ये देखिए मेरे को एक मैप मिला था और एक और मैप मिला था, ऐसे 2 मैप मिले थे, मैंने उनको लेवल 4 पे रख दिया है पेपर वेपर जमा करके। लेकिन भाई वो अपन बाद में कभी देख लेंगे, फिलहाल तो अभी मैं सो जाता हूँ। तो भाई गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, लेकिन भाई कुछ तो जल रहा है। ये देखिए दोस्तों स्पाइडर यहाँ पे मस्ती कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ना दोस्तों, हमेशा मॉन्स्टर रहते। अच्छा है कि मैं ये घर शिफ्ट करने वाला हूँ आज। लेकिन भाई ये कोऑर्डिनेट जो लिखा है मैंने, ये तो नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि ये यहाँ का ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है। तो अभी काम करते दोस्तों, फटाक से ना ये सब लेके जाके है ना उस घर में रखते है और उस घर का उद्घाटन करते हैं नारियल फोड़ के, जबकि नारियल इसमें है नहीं, क्या फोड़ू मैं समझ में नहीं आ रहा। और मेरे को ना फटाक से जाके गाँव वाले लेके आने पड़ेंगे दूसरे गाँव से शायद से, लेकिन अभी दूसरा गाँव है कहाँ पे वो मेरे को ठीक से पता भी नहीं है। एक काम करते तो अपन सब कुछ लेके जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बेड, फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल लेके जाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आधा घर तो अपना खाली कर लिया है, सिर्फ 3 चीज निकाल के। अपना घर ही इतना छोटा है तो क्या करें, वैसे भी अपना घर नहीं था। अभी अपना घर में अपन जाने वाले रहने के लिए। और यदि दोस्तों कितना सुहाना मौसम है, मतलब कि बारिश भी आ रहा है, मस्त बारिश में ठंडा ठंडा लग रहा है आज मेरे को। चलिए दोस्तों इतना सामान पहले लेके जाते, उसके बाद बाकी का लेके जाएंगे। मैं अपने बेडरूम में मतलब बेड सिर्फ रखूँ और क्या रखूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई अपना बेडरूम बहुत ही ज्यादा बड़ा, वो घर ही एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बड़ा बन गया है। और अपन उस घर में क्या क्या रखने वाले अपन को भी ठीक से नहीं मालूम। लेकिन आप लोग को भी पता है माइनक्राफ्ट तो अभी ये शुरुआत है, इसके बाद जो भी अपन इकट्ठा करेंगे बहुत सारा चीज ही लाएंगे, तो यहाँ वहाँ रखना पड़ेगा दोस्तों। और घर तो बड़ा चाहिए ही था अपन को, तो इसलिए दोस्तों एडवांस में मैंने एक घर बड़ा बना दिया है। और यहाँ पे अपना रहने वाला है बेडरूम, तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे रखता हूँ बेड यहाँ पे बीच में। वैसे दोस्तों ट्रिपल बेड रहना चाहिए था, यहाँ पे और जगह है और यहाँ पे मैं आराम से अपना सामान भी रख सकता था। यहाँ पे अपना मेकअप वेकअप करने के लिए कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम सब रखता था यहाँ पे, मतलब अपन जो चमड़े का लोखंड का जो भी पहनते हैं अपन यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों वो सब भी अपन को बनाने का है, लेकिन उस चीज़ के लिए एक बात तो है, जब भी मैं ये पिकेक्स लेके, अरे यार ये पिकेक्स लेके मैं माइनिंग के लिए जाता हूँ ना भाई, कोल के अलावा लोखंड भी नहीं मिलता है भाई। लोगों को लोखंड तो भाई और गोल्ड आराम से मिल जाता है, लेकिन मेरे को है ना गोल्ड तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों आप लोग को तो पता होगा, अगर आपने मेरे पानीपुर के एपिसोड देखे होंगे, वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा खजाना मिलते थे। यहाँ पे भाई वैसा कुछ है ही नहीं, बहुत दूर दूर तक मैं जा चुका हूँ लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों अपन ने एनिमल हस्बेंड्री चालू की है, जबकि इसके अंदर है ना ज़्यादा जानवर है ही नहीं। ये देखिए एक ही पिग है भाई, एक ही कोमड़ी है और एक ही शिप है, मतलब कि अपन के पास एटलीस्ट उन लोग को वो क्या बोलते हैं वो प्यार करने के लिए एक और जन लगता है, जैसे कि शिप को एक और शिप लगेगी प्यार करने के लिए, तब जाके एक शिप का बच्चा आएगा। वैसे अपन को एक और शिप और एक और जानवर हर एक लाना पड़ेगा भाई। तो अभी एक काम करते हैं दोस्तों, अपन वही लाते हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों अपन को यहाँ पे ना छोटी मोटी खेती स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि चलो अपन तो नॉनवेज खा लेंगे लेकिन इन बिचारों का क्या, इन लोग को तो भाई वेज लगता है, जैसे कि इसको
को आलू लगेगा और वो मुर्गी को लगने वाला है बीज और उसको लगने वाला है गेहूँ। गेहूँ तो नहीं भाई, लेकिन गेहूँ का वो जो रहता है वही वीट लगने वाला है। तो दोस्तों ये सब के लिए अपन को खेती स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन भाई खेती स्टार्ट करने के लिए अपन के पास बीज तो होना चाहिए। अपन के पास बीज भी नहीं है और यहाँ पे कोई है भी नहीं जिससे मैं बीज ले लूँ। अभी यहाँ पे खेती तो है दोस्तों, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ये है, लेकिन भाई ये तो कोई खाएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो चाहिए आलू वीट और बीज चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों बीज कहाँ पे मिलेगा मेरे को नहीं पता। और एक काम करते हैं, अरे यार मैं भी क्या बेवकूफ, यहाँ से ही बीज मिल जाएगा। ये देखिए बीज तो मिल भी गया। ऐसे करके मेरे को एटलीस्ट 8-10 बीज चाहिए जिससे कि मैं छोटी सी खेती स्टार्ट कर सकूं। तो भाई बहुत ज्यादा खोदा मैंने, लेकिन फिर भी एक ही बीज है अपने पास, ये देखिए। और है ना इसके अलावा, मतलब ये देखिए अभी जाके दो हो गए। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, ऐसे ही करके मैं बहुत सारे बीज कलेक्ट कर लूंगा। फाइनली दोस्तों बहुत टाइम बाद जाके अपन को 8 बीज मिल चुके हैं। तो अपन एक काम करते हैं, फटाफट से खेती स्टार्ट कर देते हैं। और लेकिन भाई एक और चीज़ कि मैं पिछले टाइम भी ऐसे हुआ था भाई, पिछले टाइम ऐसे हुआ था कि मेरे पास है ना लोखंड नहीं था, क्योंकि लोखंड से बकेट बनाना पड़ता है और बकेट से अपन पानी ला सकते। तो मैं अपने खेती के लिए भाई पानी लाऊँ कहाँ से। फिलहाल तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटी सी खेती स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे करूँ कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, ये जगह थोड़ी खाली कर देता हूँ। तो दोस्तों सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपना बीज लगाऊँ, लेकिन बीज लगाने के लिए अपन को होई की ज़रूरत है और होई अपन के घर पे शायद से है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन शिफ्ट करने वाले थे ना, शिफ्ट करते हैं। अपन ने अभी तक सिर्फ बेड रखा है, अभी जाके अंदर ये सब भी रखते हैं, फर्नेस भी रखते हैं। दोस्तों फर्नेस तो किचन में रखना चाहिए, इसलिए मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा किचन बनाने वाला था, लेकिन भाई इतने बड़े किचन में सिर्फ और सिर्फ एक फर्नेस है। कितना बेकार लग रहा है, लेकिन छोड़ो जाने दो। अभी एक काम करते हैं दोस्तों, क्राफ्टिंग टेबल में रखता हूँ बेडरूम में ही, क्योंकि यहाँ पे मैं सोऊंगा तो यहाँ पे ही पास में रहेगा, सही बात है। जैसे ही घर पे आऊँगा फटाक से सो सकता हूँ और वहाँ पे कुछ काम भी कर सकता हूँ। अभी एक काम करते दोस्तों, अपन अपना घर लॉक कर देते हैं और अपन चलते अपने जूने वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद अपन को मिलने वाला है होय। और लेकिन होय मिलने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं है, जब तक अपन के पास बकेट नहीं बन जाता अपन खेती नहीं कर सकते। और अगर आप लोग को पता रहेगा कुछ तरीका बिना बकेट के पानी लेके आने का, तो मेरे को बताओ भाई, क्योंकि मैं खेती करना चाहता हूँ फटाक से। तो दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं ये होय लेके जाता हूँ और है ना फटाक से यहाँ पे खोद के ना मिट्टी में लगा देता हूँ बीज, और फिर देखते हैं बीज उगता है कि नहीं। यहाँ पे वैसे एक फॉक्स खड़ा था, मेरे को लगा वो काटता है, लेकिन चलो छोड़ो जाने दो। अभी एक काम करते हैं, फटाफट जाते हैं अपन अपनी खेती के पास। लेकिन भाई मैं भाग नहीं सकता, ये रोज का हो चुका है भाई, ये रोज का हो चुका है कि मेरे को है ना हमेशा बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उसके बाद है ना मैं खाना ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मेरे को परमानेंटली कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ऑटोमेटिक फार्म, जिससे कि मेरे को खाना ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, या तो मेरे को खेती स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे छोटा सा फार्म बना लिया है, लेकिन बीच में मैं खड्डा इसलिए किया क्योंकि मैं हमेशा है ना बीच में पानी डालता हूँ, और ऐसी खेती मतलब कि सब बाजू में पानी मिल जाएगा तो अच्छी बात होगी। लेकिन भाई यहाँ पे पानी डालने के लिए मेरे पास बकेट नहीं है, मैं 10 बार बोल चुका हूँ। अभी एक काम करते फटाफट से ना अपन अपने टॉर्च लेके आते। पहली बात तो अपन जाके है ना सब कुछ सामान इस घर में रखते और वो घर छोड़ ही देते, क्योंकि कौन इतना पीछे जाके मगजमारी करते रहेगा हमेशा। तो गाइस इस घर को टाटा बाय बाय करने का वक्त आ चुका है, ये मैं फोड़ देता हूँ। लेकिन भाई फोड़ने के बाद इसके अंदर का सामान गिर जाएगा यार, लेकिन भाड़ में जाने तो अपन फोड़ देते। तो ये देखिए दोस्तों मेरे पास सामान आ चुका है और लगभग सब सामान आ चुका है, अभी ये भी फोड़ देते हैं। तो भाई ये बाकी का सामान नहीं आ रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है। काम करते अपन बाद में आके ये सब लेके जाएंगे। और ये देखिए भाई कितनी जल्दी, भाई हमेशा मेरे एपिसोड में देखिए आप कितनी जल्दी रात हो जाती है, 2 सेकंड नहीं लगता है रात होने में। और फिर ये देखिए क्रीपर भी आ गया। अबे इन लोग कैसे आ जाते हैं भाई, रात को आओ ना तुम लोग, काय को जल्दी आ जाते हो, समझ में नहीं आता है क्या तुम लोग को। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, फटाफट जाता हूँ, पहले सो जाता हूँ भाई, उसके बाद जो भी करना है वो करूँगा। तो दोस्तों एक काम करते हैं, फिलहाल तो यहाँ पे ही चेस्ट रखते हैं अपन अपने दोनों चेस्ट, और इसके अंदर ही सब सामान रखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ पे सामान रख दिया है बहुत सारा, और अभी एक काम करते हैं और भी जितना सामान बाकी था वो सब भी लेके आते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो अपन और चेस्ट बनाएंगे, क्योंकि भाई एक चेस्ट में कैसे रख पाऊँ, भले ही वो चेस्ट लार्ज है लेकिन उसके अंदर भी अपना सामान नहीं रहने वाला, अपन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अभी आगे जाके। तो उस हिसाब से चेस्ट भी अपन को ज़्यादा लगने वाला है। अभी भाई कहाँ से जाने का रहता है, ये घर को फाइनली टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका है भाई, क्योंकि इसके बाद मैं शायद ही यहाँ पे आऊँगा। लेकिन भाई यहाँ से ना नदी का रास्ता जाता है कई दूर दूर तक, तो है ना यहाँ से अपन अपने बोट का आना जाना रहने वाला है। तो अभी फिलहाल मैंने सब कुछ ले लिया है, और ये टॉर्च भी क्यों छोड़ू भाई, नहीं 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 इस घर में एक टॉर्च तो रहनी चाहिए भाई। तो फिलहाल तो अपन काम करते हैं, फटाक से चले जाते हैं। ये देखिए दोस्तों घर में तो एक ही टॉर्च है, लेकिन बाहर दो दो लगा के रखा है। तो भाई मैं अभी भी भाग के जा रहा हूँ, और ये भाग रहा हूँ जो मैं स्लो हो चुका है मेरा भागना, क्योंकि मेरे को अभी भूख लग चुकी है। और अपन अभी काम करते फटाक से जाके है ना पहले कुछ खाना इकट्ठा करते, उसके बाद ही देखते। और है ना कन्फर्म बोल रहा हूँ भाई, मैं कब से बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक फार्म, ऑटोमेटिक फार्म, ऑटोमेटिक खाना, ऑटोमेटिक फ्यूल चाहिए, मतलब कि जिसमें अनलिमिटेड फ्यूल हो, तो वो सब भी अपन बनाने वाले बहुत ही ज़्यादा जल्द। टॉर्च तो भाई बहुत ज़्यादा बना चुका हूँ मैं। तो दोस्तों फटाक से जाते हैं अपन खाना इकट्ठा करने के लिए, और मेरे पास मेरी तलवार निकालता हूँ, इससे अपन जानवरों को मारते हैं। अपन के पास जानवर चाहिए भी भाई, एक काम करता हूँ मैं रोप लेके जाता हूँ ना, वहाँ से क्यों जाऊँ भाई, अपने ये वाला दरवाजे भी यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों मल्टीपल डोर्स का यही यूज़ है, फटाक से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर मेरे को है ना कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे कि मेरे को बार बार डोर खोलना ना पड़े, मैं जैसे या वो खुद ही डोर खुल जाए। उसके लिए प्रेशर प्लेट बनाना पड़ेगा, और प्रेशर प्लेट अपन बाद में बनाएंगे। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों मेरे को है ना ये रस्सी चाहिए था, कहाँ गया भाई ये देखिए रस्सी। तो दोस्तों ये देखिए सुहाना मौसम है, और एनिमल्स कहाँ पे मिलेंगे नहीं पता दोस्तों, यहाँ पे खुली जमीन तो बहुत बड़ी है और हमेशा देखिए कोई ना कोई एनिमल दिखते रहता है भाई। लेकिन आज ही ऐसा दिन है जहाँ पे कोई एनिमल दिख नहीं रहा है। फटाक से एक पिग मिल गया, मैं इसको लेके जाता हूँ और है ना दूसरे पेड़ से ब्रीडिंग करवाता हूँ। लेकिन उनके लिए आलू चाहिए रहेगा भाई, और आलू के लिए मेरे पास आलू खेती करने के लिए भी नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। इसको तो रख लेता हूँ एटलीस्ट, चलिए भाई इसको लेके जाते। आजा भाई तू मेरा नया मेहमान है। ओ भाई एक और मिल चुका है, अच्छी बात है, चलिए चलिए इसको मारते। इसको ही दिखाते, रुको इसको ही दिखाते। एक देख भाई ये देख मैं क्या करता है, देखा मैंने क्या किया, देखा तूने, भाग मत अभी तेरे साथ नहीं होएगा, तू मेरा पोता है, आजा मेरे साथ। ओ भाई मैं कहाँ पे जा रहा हूँ भाई, अरे मेरा घर तो उस साइड है, अबे मैं क्या कर रहा हूँ भाई इस साइड में आके। दोस्तों मेरे जानवर है ना मेरे लिए दोस्त लोग जैसे, और मेरे दोस्त लोग को है ना मैं ऐसा ओपन नहीं रखना चाहता, क्योंकि भाई बारिश आने के बाद इन लोग भीग जाएंगे, तो है मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनके लोग के लिए। आजा भाई अंदर आजा, पीक कहाँ गया भाई, पीक कहाँ गया, अंदर आ अंदर आ अंदर आ अंदर आ अंदर आ, अबे अंदर आ जल्दी आ, अबे अंदर आ अंदर आ अंदर आ, पागल इंसान अंदर आ, छोड़ जाने दो दोस्तों। अबे शिप को क्या देख रहा है, अपने पिक को देखना, तू अपना काम करना। अरे भाई ये दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा है, अरे क्या ये दरवाजा बंद काहे को नहीं हो रहा था पहले। तो दोस्तों फाइनली मेरे पास दो पिक हो चुके हैं, और वहाँ पे एक ही मुर्गी और एक ही शिप है, वो अपन बाद में कलेक्ट कर लेंगे। और फिलहाल तो भाई बिना पानी के भी यहाँ पे उगता है क्या, अच्छी बात है भाई, उगने दो उगने दो, बिना पानी के भी उगता है, चलो ठीक है। तो दोस्तों फाइनली अपन ने उस घर को टाटा बाय बाय कर दिया था, इसलिए उस बाजू में जाने की जरूरत नहीं है, अपन अपने घर में आराम से जाते हैं और अपने घर में रहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों लगभग मेरा ये चेस्ट भी भरने वाला है, इसलिए मेरे को एक और चेस्ट बनाना ही पड़ेगा, तो अभी काम करते फटाक से बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो चेस्ट बना लिया है, और इस दो चेस्ट का मैं एक लार्ज चेस्ट बनाने वाला हूँ। लेकिन रखूँ कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है यार, दोनों बाजू रखूँ, नहीं 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 एक काम करते दोस्तों यहाँ पे ही कहीं तो रखते हैं, या तो ये रूम में ऑलरेडी सब सामान रखूंगा तो ये भरा भरा सा लगेगा। एक काम करते दोस्तों अपन है ना किचन में तो नहीं रख सकता, अपन दोस्तों यहाँ पे रखते, यहाँ पे सही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे एकदम कॉर्नर में ऐसा रहेगा, आने जाने में रास्ता भी बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पे रखेंगे तो अच्छी बात है। तो अभी एक काम करते दोस्तों इस चेस्ट में देखते अपन का क्या क्या है। तो अभी मैं काम करता हूँ दोस्तों फटाक से ना, अपन को कोयला भी लगने वाला है, और अपन का जो कोयला है ना दोस्तों ये देखिए ये वाला, इसको है ना अपन को किचन में रखना पड़ेगा, क्योंकि किचन में ही तो अपन खाना पकाते हैं, तो कोयला तो किचन में ही रहना चाहिए। तो अभी फटाक से एक काम करते हैं अपन अपना खाना पकाते हैं, और ये बाकी का कोयला है ना यहाँ पे भी एक चेस्ट लगेगा मेरे को, इसलिए दोस्तों एक काम करता हूँ एक और छोटी सी चेस्ट बनाता और वो यहाँ पे रख दूंगा मैं, और इसके अंदर कोयला वोयला रखेंगे अपन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेस्ट बना चुका हूँ, और अपन कोयले के बाजू में मतलब कि इस गैस के बाजू में रखेंगे, अपना गैस है चूल्हा, और इसके अंदर कोयला रखेंगे। फिलहाल तो दोस्तों उसमें भी कोयला है 64, लेकिन वो रहने दो वहां पे। एक काम करते हैं दोस्तों अपन फटाक से जाके अपने एनिमल को ब्रीडिंग कराते हैं, लेकिन उसके लिए आलू चाहिए रहेगा। तो एक काम करते हैं दोस्तों, एक काम करते हैं हम लोग है ना अगले वीडियो में है ना आलू लेने के लिए ना दूसरे गाँव में जाएंगे, और है ना अपन निकलने वाले एक बहुत ही अच्छे एडवेंचर पे जिसमें पता नहीं गाँव मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों रात हो चुकी है इसलिए मैं अंदर आया हूँ, लेकिन दोस्तों अपन काम करते हैं अगले वाले एपिसोड में ना जाने वाले एक बहुत ही अच्छे एडवेंचर के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते, मिलते अपन अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।